आज दिल्ली के अंदर 1893 टोटल केस हैं, जिसमें से कल 186 पॉजिटिव केस आए हैं टोटल। स्पेशल ऑपरेशन कॉलम की बात की, जो रिमूव कर दिया गया है, उसका कारण क्या है सर? देखिएगा, स्पेशल ऑपरेशन जो निजामुद्दीन मकतब में चलाया गया था, उसके सभी लोगों का एक राउंड हो गया है। पिछले चार दिन से एक भी केस नहीं आया, तो अननेसेसरी रखने का इसलिए फायदा था, तो कंप्लीट हो गया, उनके टेस्टिंग कंप्लीट हो चुके। इसके बाद रैपिड टेस्ट हमारे पास 42,000 की टाइप की है, 42,000, और वो टेस्ट के लिए आज उसका ट्रायल रन LNJP हॉस्पिटल में करा जा रहा है, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करी जा रही है। कल से उसको पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी हॉटस्पॉट हैं, तो ये पहले हॉटस्पॉट एरिया से स्टार्ट होंगे, और क्या ये टेस्टिंग रैंडम होगा, कैसे होगा, व्हाट विल बी द प्रोसीजर? देखिए, टेस्टिंग जो होगा ना, जो लोगों को, देखो इसमें ऐसे बिल्कुल रैंडम करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। जिस आदमी को किसी भी तरह के सिम्टम्स कभी भी आए, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और जुकाम है, खांसी, किस सिम्टम भी आए, तो उसको टेस्ट करने का फायदा होता है। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन हुआ था और आपके शरीर ने फाइट बैक करके एंटीबॉडीज बना लिए हैं, तो वो इंडिकेट करेगा भाई एंटीबॉडीज बन गई है। जिसमें भी एंटीबॉडीज बनेंगी, जिसमें भी थोड़ी सी भी दिखेंगी, तो हम उसको फिर RT-PCR टेस्ट करके कन्फर्म करेंगे। सर, अगर बात करें तो क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? हमारा टारगेट ये है कि कल से स्टार्ट करके एक हफ्ते के अंदर हम 42,000 टेस्ट करने का टारगेट है हमारा। 42,000। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से दिल्ली में नंबर्स बढ़ रहे हैं, अगर जहांगीरपुरी की बात करें, तो एक फैमिली से 21 मेंबर को पॉजिटिव आया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो होता है वो शुरू हो चुका है? इसके ऊपर क्या कहेंगे सर आप? देखिएगा, जो जैसे आपने बताया, कल का मैंने थोड़ा एनालाइज किया था, जो 186 केसेज हैं, ये सारे ही मतलब नॉन सिम्टोमेटिक टाइप के लोग हैं। जैसे जहांगीरपुर की आपने बताया 31, उनको किसी को भी सिम्टम नहीं है, कॉन्टैक्ट थे तो उससे आए, परंतु देखो कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में एग्जैक्टली कि कम्युनिटी स्प्रेड है या लोकल स्प्रेड, तो फाइन लाइन तो है, इसके बारे में तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। बट हाँ, कुछ केसेज में ऐसा भी है कि जिनका हमें सोर्स नहीं पता लग पा रहा है। सर, आशंका है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है? हो सकती है, अभी तो नहीं कहा जा रहा, अभी तक तो जो मैंने जो बात की है, केंद्र की बात हुई है, सेंट्रल की बात की है, ना तो देश में कहीं भी कम्युनिटी स्प्रेड है, ना ही दिल्ली में हुआ अभी तक। पर आशंका जरूर है कि हो सकता है अगर लोग ज़्यादा कम्युनिटी में मिलेंगे जुलेंगे। देखो क्या होता है कि जो नॉन सिम्टोमेटिक लोग हैं, उसको सिम्टम तो कोई है नहीं, तो वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं।